तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। चेक बाउंस के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव आप भी जा सकते हैं। आपकी अगर चेक बाउंस होता है तो परेशान होने की बात और जरूरत नहीं। अक्सर देखा गया है कि चेक बाउंस होने पर लोग परेशान होने लगते हैं। बता दें सुप्रीम कोर्ट के पास चेक बाउंस से जुड़े कई मामले सामने आए हैं जिसके बाद कोर्ट ने चेक बाउंस के रूल्स में संशोधन किया है। चेक बाउंस की सूरत में अंतरिम मुआवजा हासिल करने के लिए शिकायतकर्ता को एक अनिवार्य शर्त पूरी करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143A को लेकर 2018 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद शिकायतकर्ता दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं को 20% आंतरिक मुआवजा हासिल करने का हक मिलेगा। हालांकि लिखनी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143A के तहत प्रावधान है कि चेक बाउंस होने का मामला अदालत में लंबित है तो आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता को अंतरिम मुआवजा देना होगा। आप चेक ट्रांजैक्शन करते वक्त इन 6 बातों का ध्यान रखें तो आपको कभी नहीं होगा नुकसान। इस स्थिति में होता है चेक बाउंस। चेक बाउंस कब होता है इस बात से अवगत करा दें कि अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं तो यह जरूरी है कि चेक जारी करने वाले खाते में कम से कम उतने पैसे हों जितने का चेक उसने जारी किया है। अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है। इसी को चेक बाउंस कहा जाता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक को और से एक स्लिप दी जाती है। गौर करने वाली बात है कि इस स्लिप में चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है। NPS ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं भी आप जान सकते हैं मेरे अगले वीडियो में। आपको जमा करना होगा 20% की रकम। बता दें कि नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि चेक बाउंस होने की स्थिति में आरोपी की तरफ से पहले ही चेक पर अंकित राशि की 20% रकम अदालत में जमा करनी होगी। अगर निचली अदालत के फैसले आरोपी के खिलाफ आता है तो ऊपरी अदालत में अपील करता है तो उसे फिर से कुल राशि की 20% रकम अदालत में जमा करनी होगी। चेक कोई व्यक्ति या कंपनी जारी कर सकती है। इसके अलावा ट्रस्ट सोसाइटी समेत अन्य संस्था भी चेक जारी कर सकती है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोई भी चेक जारी करने की तारीख से लेकर 3 महीने तक ही वैध होती है, उसके बाद वैध नहीं होती है। तो आप इस पर जरूर ध्यान दें कि अगर आप कोई चेक दिया है तो उसको 3 महीने के अंदर उसको बैंक में जमा करके पैसा कैश ले लें, अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लें, नहीं तो चेक बाउंस हो जाएगा तो उसका कोई मान नहीं होगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।